अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप सोशल फॉलो बटन कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस थीम में। प्रीवियस लेसन में हमने सोशल शेयर बटन साइड बार पे ऐड करना सीखा था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप सोशल फॉलो बटन अपने हेडर में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर देखें तो आपके पास, हमने प्रीवियस लेसन में इसको ऐड करना सीखा था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप हेडर फाइल में यहाँ पे टॉप पे अपने सोशल बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं वर्चुअल एकेडमी, तो यहां पे अगर आप देखें तो आपको सोशल बटन नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये हेडर फाइल में जो दिए हैं, तो इस तरह के अपने बटन जो, तो वो कैसे ऐड कर रहे हैं। आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और डैशबोर्ड में अगर आप हैं तो आप देखें तो यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन होता है। प्लगइन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सोशल फॉलो बटन, सोशल फॉलो बटन। तो यहाँ पे काफी सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप इनमें से कोई भी बटन, कोई भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थीम एंड कोड, यहाँ पे एक सोशल फॉलो बटन के नाम से, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका स्क्रीनशॉट देखें, यहाँ से स्क्रीनशॉट में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास ये ऐसे जब जनरेट होगा ये, तो ये इनका व्यू ऐसे होगा और फ्रंट व्यू इनका ऐसा होगा, देख सकते हैं। तो आप ये ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहां से इंस्टॉल पे क्लिक करके आप ये ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ये वाला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कोई और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे कि सोशल, यहाँ पे शेयर बटन है और यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पे फॉलो बटन है बाय एड दिस, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि इसकी रेटिंग भी अच्छी है, अपनी रेटिंग भी नीचे देखनी है। ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद ये अनपैक हो चुके हैं और अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। एक्टिवेट प्लगइन, प्लगइन एक्टिवेट हो रहा है, ओके एक्टिवेट हो चुका है। तो फॉलो बटन बाय ऐड दिस आपको यहां पे आ गया, इस पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है फॉलो हेडर, हॉरिजेंटल फॉलो बटन, हॉरिजेंटल में नहीं ऐड करना चाह रहा, मैच करना चाह रहा हूं यहां पे फॉलो हेडर पे क्लिक करता हूं और यहां से आपने चूज करना है जैसे कि फेसबुक ऐड है, और यहां पे और मैं ऐड कर लेता हूं जिसके साथ गूगल प्लस, और यहां पे लिंक्डइन, और यहां से आपको जो जो चाहिए आप ऐड कर लें, ट्विटर है, यूट्यूब है, ओके इन सबको आपने लिंक देना है, और प्लस google.com सही है, और linkedin.com.in इसको ऑफ कर दें, डॉट ग्रुप्स को भी ऑफ कर दें, कंपनी और इसको भी ऑफ कर दें, और /edu education से रिलेटेड सही है। इसी तरह यूट्यूब यूजर है ऑफ कर दें, चैनल भी ऑफ कर दें, बाकी चैनल ठीक है। और ये, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल प्लस का जो है तो वो URL दे देता हूँ, आप दे दें यहाँ पे, लिंक्डइन का URL दे देता हूँ और चैनल का, आपने यहाँ पे URL देना है। URL क्या होता है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ करके, तो मैं यहाँ से इस पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा URL है facebook.com/joinvaofficial। अब ये जो जॉइन वी ए ऑफिशियल है, क्योंकि facebook.com तो है, जॉइन वी ए ऑफिशियल जो है ये आपका, इसको आपने कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है, कॉपी और वहां पे जाके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। यहां पे जैसे कि यूट्यूब, अब यहां पे जॉइन वी ऑफिशियल प्लस का भी इसी तरह URL होता है, और यहां पे लिंक्डइन और यूट्यूब का भी, और यहाँ पे इसका टेम्पलेट से ये कह रहे थीम जो ट्रांसपेरेंट हो, यस ट्रांसपेरेंट सही है। रिस्पॉन्सिव विड्थ आप देना चाह रहे हैं, विड्थ आप यहाँ से दे सकते हैं, 2 में कर देता हूँ, और ऑफसेट कितना होना चाहिए, इनके बीच में फासला कितना होना चाहिए, और
जब कोई शेयर करे तो आपका शो थैंक्स ऑप्शन आना चाहिए। यस, एक्टिवेट कर लेता हूँ उसको, एक्टिवेट हो चुका है। और अगर इसको आप यहां से रिफ्रेश करें तो आपको यहां पे नजर आएगा, लेकिन आपको सही नजर नहीं आएगा। आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करने, क्योंकि हेडर के ऊपर आपके पास ये है, क्योंकि आप जब अपने कंट्रोल पैनल में होते हैं या डैशबोर्ड में होते हैं तो आपको सही नजर नहीं आ रहे होते। ये तो यहां पे देखिएगा तो आपको ये आ गए, देख सकते हैं फॉलोअर्स, और यहाँ पे देखें ये चीज आ गया बस। तो आप यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा भी लगता है यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे अपने जितने बटन ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कि फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा कि मैं डायरेक्ट फेसबुक में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा, इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू करता हूँ। तो देखिए मैं फेसबुक में आ गया हूँ, वर्चुअल अकेडमी ज्वाइन वी ऑफिशियल। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि ये कस्टमाइज का ऑप्शन है, देख सकते हैं। इधर ट्विटर पे क्लिक करूंगा तो ट्विटर में चला जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये ऐड कर सकते हैं सोशल फॉलोवर, और यहाँ पे भी आपके पास ऐड हो चुके हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सेटिंग में जाके तो आप यहाँ से इसको ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, और फॉलो अस की जगह टाइटल कोई और देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई और भी दे सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।